साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर आजम ऑफिस से लीक होने वाली ऑडियो के मामले को गलत करार दे दिया। कहा हुकूमत मामले पर एक्शन लेने के साथ वजीर आजम हाउस को महफूज बनाने की भी यकीन दहानी कराए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो है इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। चौधरी सर, ये बताइए, आजकल जो ऑडियो लीक्स का बहुत ज्यादा चर्चा है, तो क्या ये वजीर आजम हाउस जो है वो भी गैर महफूज है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये है बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी, हमें ये सोचना है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा ऑफिस है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वहाँ पर भी गुफ्तगू जो है वो प्राइवेट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इट सेंड्स ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जब लोग वहाँ पर आएंगे तो बहुत सी बातें, देखें पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, तो बहुत सी बातें कॉन्फिडेंशियल लोग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। इज मोर पावरफुल दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, तो ये तो नून की हुकूमत सिर्फ 25 किलोमीटर पर मुहित है, तो सब लोग जो हैं इक्तदार के मजे भी ले रहे हैं। ये थे साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, उनका ये कहना था कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें अवाम जो है सैलाब की वजह से मर रही है, परेशानी का शिकार है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं।